तो किसान जो है, अब बच्चे हैं नहीं, छोटे तो नहीं, समझ नहीं। तो किसान जब, और जनता का शासन है, अब किसान जिस चीज को लागू करने पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये अमृत है पियो, वो कह रहा नहीं पीनी जी। दवा जब बच्चे को देते हैं, छोटा बच्चा रहता है, जबरदस्ती पटक करके उसको मुंह में ठूस दिया, क्योंकि वो अच्छा है, उसका बुखार होता है। पिछले विगत दो महीने से तकरीबन किसान जो है भारत के, वो आंदोलनरत है, अपनी मांगों को लेकर के लगातार उनका आंदोलन तेज होता रहा है। जो कृषि कानून 3 नए लागू किए गए थे इस देश में, उसको लेकर के वो आंदोलनरत हैं। अभी हम बता दें, हमारे साथ धनंजय सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, क्या लगता है आपको, जो किसान आंदोलनरत हैं कृषि कानूनों को लेकर के, उनकी मांगे कहां तक जायज हैं? देखिए, मांगे तो बहुत है जी, जायज का अगर कहेगा तो जायज किसान की बहुत सारी मांगे हैं जी, कहाँ मानी जाती है जी, कहाँ कब मानी गई। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति बन गई है कि किसान की मांगे हैं कि वापस लो, देखिए सवाल है कि मांग, किसान मांग रहा ही नहीं जी। अभी वर्तमान में आप कुछ दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं मत दो जी। किसान नहीं मांग रहा, किसान कह रहे हैं मत दो, ये मांगे जी, कुछ मांग नहीं रहा। जैसे कि एक जो कमीशन बहुत पुराना था, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो हुई थी, उसको लागू करने की मांग होती रही अलग अलग किसान संगठनों द्वारा समय समय पर, लेकिन वो बातें अभी भी नहीं मानी गई। डेढ़ गुना लागत का, कम से कम डेढ़ गुना उसे मिले फसल का मूल्य, ये अभी तक लागू नहीं किया सरकार ने, सभी सरकारों ने वादा किया। लेकिन अब क्या है कि आज किसान कुछ मांग नहीं रहा है, सरकार कुछ दे रही है जी। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की मांग है कि मुझे इसे लागू करने दो, ऐसा लगता है सरकार को कुछ मिलेगा, सरकार में शामिल प्रतिनिधियों को कुछ मिलेगा, और किसान कह रहे नहीं इसे लागू नहीं होने। तो किसानों की जो मांग है उसे मांग मत कहिए, उसे कहिए ऑब्जेक्शन जी। किसानों का ऑब्जेक्शन है सरकार की मांग है कि मुझे ये लागू होने दो। किसानों का कहना है कि ये सरकार जो किसानों की हितैषी होनी चाहिए थी, जो पूरे देशवासियों की हितैषी होनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट की भी हितैषी होनी चाहिए, सबको डेवलप करना है। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर भाग जो किसान है, और किसान का बातें, कॉर्पोरेट तो मजबूत स्थिति में जी, किसान कमजोर स्थिति में, जो कमजोर स्थिति में है उसका बचाव करना घर के गार्जियन का काम होता है कि कहीं उसको नुकसान न पहुंच जाए। आज स्थिति है कि किसान को सरकार के बचाव की जरूरत आज ही नहीं, अभी लगातार, क्योंकि किसान बैकफुट पर बहुत बरसों से चल रहा है, तो उसका बचाव, किसानों का, मजदूरों का, बेघरों का बचाव करना, सुरक्षा देना, उनको मजबूत करना सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है, होनी चाहिए। तो अभी किसान जो स्थिति दिख रही है इसमें सरकार कॉर्पोरेट के पक्ष में ज्यादा दिख रही है, सरकार खुलेआम कॉर्पोरेट के पक्ष में, सरकार के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, आप कई एमपी हैं जी, भाजपा के पदाधिकारी हैं वो तो हैं, कई एमपी एकदम एमपी सरकार में शामिल लोग में एक तरह से आप मान सकते हैं उसको जी, सरकार के अंग, हाँ, तो वो खुलेआम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कॉर्पोरेट के पक्ष में, किसानों के विरुद्ध में। ये समझना चाहिए, किसान एक करोड़पति कंपनी वाले और हजारों लाखों किसान, जो करोड़पति तो नहीं है, कुछ लाखपति है, कुछ हजारपति है, जो भी है, जुटाना मुश्किल हो रहा है दिनचर्या के आवश्यक सामान। तो इन सरकार को किसके पक्ष में होना चाहिए, घर में हमारे 20 लोग हैं, घर का कोई गार्जियन है, घर में 20 लोग हैं, तो जो बच्चा कम उम्र का रहता है उसको दूध देना पड़ता है जी, जो कमजोर रहता है, हैंडीकैप रहता है, उसको कई तरह के आवश्यक वो मदद भी देना पड़ता है, जो कि नहीं है जनरल, जो बच्चा तेज दौड़ रहा है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, जो जो फैमिली का जो मेंबर मंथली अच्छा कमा रहा है, उसको थोड़ा गार्जियन कम भी सहयोग करते हैं, काम चलता है, ये भी खुशी की बात है कि वो कमा रहे हैं, उनका भी रास्ता ना रुके। लेकिन जो कमा रहे हैं या जो मजबूत है वो कमजोर का हिस्सा ले लें, ऐसी एक मानसिकता और स्थिति बनी हुई है देश में किसानों के दिमाग में, इसलिए किसान ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। सरकार को किसानों की बातें सुननी तो जरूर चाहिए अभी जो, लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो कृषि कानून बनाया गया है इससे किसानों को समृद्धि मिलेगी, पूरा जो
देश है वो पूरे देश में अपने वस्तुओं को बेच पाएंगे, ये उनके फायदे के लिए है। तो इसमें कमी कहाँ है, क्या लगता है क्यों मतलब और लगातार इस पे इतना विवाद हो रहा है? देखिए पहले तो ये समझना होगा कि देश में लोकतंत्र जी, दुनिया में भी मैक्सिमम जगह आप लोकतंत्र है तो, और देश में तो हमारे है लोकतंत्र की बात होती है, जनता का शासन। तो आप स्कूल में देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं जी, आप जबरन भी स्कूल भेजते हैं, टीचर उसको पीटते भी हैं कभी कभी कि नहीं पढ़ रहा है तो पिटाई कर दिया, दो थप्पड़ मार दिया। तो जब बच्चा कॉलेज पहुंच जाता है तब आप नहीं सुनिएगा कि लेक्चरर ने स्टूडेंट को पीट दिया नहीं पढ़ने पर जी। यह माना जाता है कि अब वो बच्चा नहीं रह गया, अब वो बड़ा हो गया, अब वो कॉलेज में है, वो सिंसियर है अपने पढ़ाई के प्रति। तो क्लास में लेक्चरर आते हैं, लेक्चर देते हैं, जाते हैं, बच्चे सुनते हैं, इनको फॉलो करना, मतलब लेक्चर मेथड हो गया जी, अब उनको नीड नहीं। तो किसान जो है, अब बच्चे हैं नहीं, छोटे तो नहीं, समझ नहीं। तो किसान जब, और जनता का शासन है, और किसान जिस चीज को लागू करने पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये अमृत है पियो, वो कह रहा नहीं पीने जी। दवा जब बच्चे को देते हैं, छोटा बच्चा रहता है, जबरदस्ती पटक करके उसको मुंह में ठूस दिया क्योंकि वो अच्छा है, उसका बुखार उतारना जरूरी है। लेकिन जब बड़ा कोई तो उसको अपनी क्षमता, वो समझ रहा, आप कहेंगे कि ये अमृत है, वो कर रहा है कि नहीं ये विषय और नहीं ये जंग है। और जब लोकतंत्र है तो लोग जो बोलेगा वो होगा ना जी। लोग जब होगा, अमृत है मैं नहीं पीऊंगा अमृत तो नहीं पीऊंगा, चॉइस है, लोकतंत्र है। तो किसान जब बोल रहे हैं, और फैक्ट यही है कि मेजोरिटी ऑफ किसान ये बोल रहे हैं कि ये कानून लागू मत करो, तो नहीं करना चाहिए। सरकार को किसानों से मांगना चाहिए कि तुम ही बताओ कैसा कानून, और सिफारिश से पहले भी आ चुकी है, और भी किसान को देना चाहती है सरकार, तो किसान का कर ले कि तुम लोग बता दो करके कि क्या क्या लागू कर दे, करते खुशी बात है। अगर सरकार करे हम सुख चिंतक तो होना भी चाहिए। और किसान इस दरमियान 26 जनवरी को जो दृश्य सामने था, क्या लगता है आपको किसान कहां तक सही थे? देखिए किसान पूरे जो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, किसान देशद्रोही, किसान उदंड, किसान उपद्रवी, किसान आतंकवादी, तो देखिए किसान कोई एक अध्यक्ष नहीं है जी, कि फलाने पार्टी का अध्यक्ष है, फलाने पार्टी का महासचिव है, कि सरकार का वित्त मंत्री है, कि सरकार का कृषि मंत्री है, कि सरकार का प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति किसान है। आप जब हम कृषि मंत्री पर पक्ष सवाल उठा रहे होते हैं तो कि कृषि मंत्री ने ये किया, ये बोला, ये क्यों नहीं किया, ये तो ठीक चले क्योंकि वो एक पद पर विराज लोग। जब किसान पर सवाल उठा रहे हैं तो आप पहले तो एक कोई घटना घटी जी, एक कोई घटना घटी आप किसान पर सवाल उठा रहे। किसान पूरे देश में फैला हुआ किसान, उस दिन दिल्ली में नहीं मौजूद जो किसान है, आप किसान पर, आप वो जो लड़का है दीप सिंधु, आप ये सवाल पूछे कि दीप सिंधु ने जो किया जी, ये सवाल होना चाहिए। किसान तो उस दिन दिल्ली में हजारों लाखों किसान मौजूद थे, दूसरे राज्यों में भी मौजूद थे, वहां जो नहीं गए वो भी किसान है। सवाल उठना चाहिए दीप सिंधु एंड ग्रुप ऑफ सम पीपल जी, एग्जैक्टली। आप एक बात बताइए, एक घटना तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए, कॉन्सेप्ट बदल गया। अभी हम और ट्रेंड आपको बताते हैं, एक व्यक्ति ने 3 लोगों को गोली मार दी, कोई हत्या का कोई काम कर दिया, कहीं आदमी निकल गया मुसलमान, बोला मुसलमान आतंकवादी जी। एक जगह कहीं कोई जासूसी कर दिया भारत के खिलाफ, निकल गया हिंदू, कहा हिंदू जासूसी करता है देश के खिलाफ। तो ये जो ट्रेंड है ये बदलना पड़ेगा। अगर मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है कि जैन है, तो जो लोग किया उसके चिन्हित नाम होने चाहिए, और या प्लस अदर जी। हो सकता है कुछ अननोन होता है प्लस समवन, की जैसे केस भी होता है कि इतने लोग पर अज्ञात पर भी होता है, तो यह चलेगा। लेकिन किसी भी घटना को चाहे आप मुस्लिम नाम से जोड़ देना, हिंदू नाम से जोड़ देना, किसान से जोड़ देना, किसान भारत का, किसान हमेशा शान है भारत का जी, और जवान से ज्यादा शान है, यही हकीकत है जी। जवान जो तैनात है
हमारे सीमा पर वह भी आसान है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान हमारा किसान। तो किसान को बदनाम करने की ये जो आखिर आप कर रहे हैं विवाद, विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार ये साजिश रच दे रही है कि किसान के बारे में, सरकार में शामिल कुछ लोग ये साजिश रच दे रहे हैं कि किसान को बदनाम करो। क्यों बदनाम करो, आप दीप सिंधु को पकड़ लो। भारत इतना बड़ा देश, इतनी इफिशियंट, दिल्ली की पुलिस इतनी इफिशियंट हमारी सरकार कहते हैं, तो आप दीप सिंधु अभी जेल में होना चाहिए। सभी जान रहे हैं नाम की दीप सिंधु है, सभी उसका चेहरा पहचान रहे हैं, सारे जगह सोशल मीडिया वायरल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक आपको निकल गया आदमी आतंकवादी, आप कैसे पकड़ेंगे? मान लेते हैं कल कोई आतंकवादी, कल कोई बड़ी घटना कर देगा, तो इसका मतलब आप में पूरे भारत की सरकार में, पूरे भारत की पुलिस में यह क्षमता नहीं है कि दिल्ली राज्य की राजधानी के बीच एक दीप सिंधु नाम का आदमी का नाम पता है उसने और कुछ नहीं, आप पकड़ नहीं सक रहे हो। जमीन में गया गया क्या, वो समा गया सीता की तरह नहीं, बल्कि ये संदेह तो किसान उठाएंगे कि आप कहां गया वो आदमी। तो किसान ने कुछ नहीं किया, किसान शांतिपूर्ण आए, किसान किसान एक सामान्य पीपुल है, दे आर नॉट डिप्लोमेट, दे आर नॉट वेरी पॉलिटिकल, उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल हैं लेकिन सभी पॉलिटिकल नहीं है, मैक्सिमम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। रूट इधर उधर हो गया, किसी ने डाइवर्ट कर दिया, किसी ने कुछ मिसलीड कर दिया, हो गया तो कोई बात नहीं, देश अपना है, राजधानी अपनी है, डाइवर्ट हो गया, क्या हो गया? डाइवर्ट होके क्या बम फेंका? नहीं, डाइवर्ट होके दिल्ली की सड़क पे हमारा लाख आदमी चला गया इधर से उधर, देश का देशवासी क्या हो गया? कहां कोई बम फोड़ दिया? कोई नहीं फोड़ा, लाठी उस पर भले चार्ज हुआ जी, हाथ पैर बेचारे का टूटा, नहीं टूटना चाहिए था, लाठी चार्ज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसान हमने टेलीविजन पे देखा कि कहीं पर मुझे ऐसा नहीं दिखा कि किसान जा रहे हैं ट्रैक्टर से और ढेला फेंकते हुए जा रहे हैं। हमें वहीं पर ऐसा दिखा कि किसानों की तरफ से जगह ढेलेबाजी की गई, जहां पुलिस ने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के अब वैश्विक तौर पर राजनीति हो रही है, आप देखेंगे जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इस पे कुछ कटाक्ष किया, चाहे रिहाना हो या फिर अगर हम बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग थी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उसके साथ ही साथ और भी कुछ सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने इस पे अपना राय रखा। उसके बाद से इसको लेकर के देश में एक अलग विवाद हो गया, देश के जो लोग थे जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने कहा कि ये देश का आंतरिक मामला है, इसमें भी दो धड़े में बट गया पूरा देश। तो क्या हो गया इस देश को कि जब भी किसी विषय पे हम बात करते हैं तो ये दो धड़ा हो जाता है और इस किसान आंदोलन का भी वही हाल है। देखिए ये अच्छी बात है कि चीजें वैश्विक हो गई, चीजें वैश्विक होनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि एक तो लोकतंत्र हमारा, लोकतंत्र जनतंत्र बिल्कुल मजबूत होगा जब वैश्विक होगा। दूसरा, अब तो ह्यूमन राइट की भी हम लोग बात करके मानवाधिकार का मामला है, तो वैश्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम घर में 5 मेंबर हैं, हम घर में 10 मेंबर हैं, हमने अपने घर के अपने छोटे भाई को पीट दिया बहुत ज्यादा, बच्चेपन की बात नहीं बोल रहे हैं, जब एक बालिग हो जा रहे हैं, बड़े सब लोग डिपेंडेंट है, संयुक्त परिवार रह रहे हैं, हमने किसी अपने भाई को मार के हाथ तोड़ दिया, हमने मार दिया जान कि भाई और घर का मेरा मामला है, नहीं ये घर का मामला नहीं है, ये पुलिस का मामला हो जाएगा, ये पुलिस का मामला हो जाएगा। हम आप अभी बहुत सारी घटनाएं कि मदर को खाना नहीं दे रहा है तो जो है परेशान कर रहा है, तो मामला पुलिस में चला गया, मामला कोर्ट में चला गया, तो ये आपका घर का मामला नहीं है। और लोकतंत्र में जो मामला है, देखिए यह पर्दे के पीछे का कई कई गतिविधियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं वो पर्दे के भीतर कई गतिविधियां, व्यक्तिगत गतिविधियां जिसमें प्रेम और सेक्स और पति पत्नी के संबंध, ऐसे कई चीजें होते हैं जिसको पर्दे के पीछे भारतीय संस्कृति में रखने माना गया है, रखना भी चाहिए। लेकिन ये जो सार्वजनिक मुद्दा है, किसान हमारा 70% कहता है कि कृषि पर डिपेंडेंट है लोग, तो ये एक सार्वजनिक मुद्दा है, यह देश का मुद्दा है। अच्छा हुआ कि देश में नहीं बिगड़ रही है बात, तो विदेश से भी लोग बोलने लगे, पूरे और बोलने चाहिए कि, और यही नहीं कि दूसरे हमारे देश के बारे में बोल रहे, अगर किसी अन्य देश में भी, किसी अन्य लोकतांत्रिक देश में भी अगर कहीं लोकतंत्र को चोट पहुंच रहा है, तो भारत को बोलना चाहिए, भारत के लोगों को बोलना चाहिए, और किसी
राजतंत्र वाले राज देश में, किसी तानाशाही देश में भी अगर कुछ गलत इस तरह का हो रहा है, तानाशाही जो देश होता है उन तो हम लोग बोलने लगते हैं कि लोकतंत्र हो, लोकतंत्र हो, हम बोलते हैं लोकतंत्र के समर्थक है हम बोले। तो जो मानववाद या अहिंसा या इंसाफ के समर्थक लोग कहीं भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचार रखने, दलितों ने दिया तो बोलना चाहिए। हम जैसे लोगों को, लोकतंत्र के जो समर्थक लोग हैं उन्हें स्वागत करना चाहिए कि अगर हम सही हैं तो हमें क्यों, हम तो अपना रखेंगे वैसे ही। तो ये आपने देखा कैसे किसानों को जबरदस्ती कुछ देने का प्रयास सरकार कर रही है, किसान कह रहे हैं कि हमें इस बिल की आवश्यकता नहीं, फिर भी उनको जबरदस्ती दिया जा रहा है। ऐसे ही अन्य मुद्दों पे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय को रखा, बताया कि अगर ये वैश्विक मंच पे ये किसानों का आंदोलन जाता है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही समृद्धि देने वाली है, भारत के लोकतंत्र को और बहुत ही मजबूत करने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व की जब इसमें नजर पड़ेगी तो शायद इसका परिणाम कुछ बेहतर ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, अपना बहुमूल्य समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद।